जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और द यूथ कनेक्ट संस्था की ओर से इंजीनियरिंग छात्रों के लिए स्टेट लेवल प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रविवार को किया गया। आयोजन के अवसर पर मेडिकल कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में लगभग पूरे प्रदेश भर से इंजीनियरिंग के 2500 छात्र पहुंचे हुए थे। कैंप में इंजीनियरिंग के 4 ब्रांच इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पूरी कर चुके या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस कैंप में कैपजेमिनी, लगेटो हेल्थ केयर, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, L&D जैसे प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए भर्ती संबंधी जानकारी दी गई। बेरोजगार युवाओं से रिज्यूम लिया गया, हालांकि कुछ रिज्यूम भी ऑनलाइन लिया गया था और जिन्होंने ऑनलाइन नहीं दिया उन युवाओं से कैंप के दौरान ही लिया गया। कार्यक्रम में राज्य शासन की ओर से तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव रेणु जी पिल्लई भी मौजूद रही। उन्होंने भी सभी कंपनियों के HR और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से युवाओं के रोजगार के संबंध में चर्चा कर चयनित करने का दिशा निर्देश भी दिया। तकनीकी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर विवेक आचार्य ने देश TV से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए यह आयोजन किया गया है। कैरियर गाइडेंस के साथ ही युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं के चयन के बाद प्रतिमाह 20,000 से 40,000 तक वेतन मान पर भर्ती की जा सकती है। इसके लिए भी गाइडेंस युवाओं को दिया जा रहा है। कैंप में शामिल हुए कंपनियों ने प्रदेश के युवाओं की सराहना की और गाइडेंस भी किया। वहीं आयोजक ने बताया कि युवाओं को टैलेंट के हिसाब से पैकेज दिए जाने कंपनियों से कहा गया है ताकि कोई बेरोजगार युवक हताश न हो। पहली बार छत्तीसगढ़ में इंजीनियर्स के लिए एक कंबाइंड प्लेसमेंट कैंप किया जा रहा है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। इसमें पहले हम करियर गाइडेंस के साथ साथ प्लेसमेंट करेंगे, पहले उनका करियर गाइडेंस देंगे कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री किस टाइप के बच्चों को रिक्रूट करती है। तो उसके लिए हमारे अलग अलग कंपनीज़ के HRs आए हैं, कुछ कंपनीज़ के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जो बच्चों को बताएंगे कि उनको इंडस्ट्री में बच्चों से क्या चाहिए। और आज ये सारे बच्चों के रिज्यूमे भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। लगभग 2500 बच्चे जो हैं वहाँ अभी इस समय उपलब्ध हैं जो अलग अलग कंपनीज़ में अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद जाएंगे और उसके बाद उनका नेक्स्ट राउंड होगा और उसके बाद बच्चों को जॉब्स ऑफर की जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि जो हमारे पास HR हैं, जो ग्लोबल कंपनी से जो HR आए हुए हैं, उनका ये जो बैकग्राउंड रहा है छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ में, उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे इतने लॉयल होते हैं कि जब एक बार वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं तो उसके बाद वो जल्दी जाते नहीं कहीं, तो वो छत्तीसगढ़ के बच्चों से ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस हैं। जहाँ तक रही आज की बात, तो आज का जो स्किल सेट है आप खुद देख सकते हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों की तैयारी भी वो नहीं थी, बच्चे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, HR से इंट्रैक्शंस भी हो रहा है, बच्चे उन HR से सवाल भी पूछ रहे हैं, उन HR से ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि वो अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे क्रैक कर पाएँ। जो बेसिक जहां पर बच्चे कम रह जाते थे, जैसे टेक्निकल है, हो सकता है उनके टीचर्स उनको अच्छा पढ़ाएं, लेकिन HR के लिए जो गाइडेंस होनी चाहिए वो यहां पर हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू कई राउंड्स में होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल राउंड, HR राउंड, तो उसमें उनको राउंड वाइज उनकी डेवलपमेंट हो रही है। देश TV की टीम ने कैंप में आए युवाओं से भी चर्चा की तो बच्चों में गाइडेंस को लेकर खासा उत्साह देखा गया, तो वहीं कुछ युवाओं ने गाइडेंस को जरूरी न बताकर रोजगार देने की बात कही। सर, अभी तो इन्फॉर्मेशन बस मिल रहे हैं, बस इसके बारे में तो वही समझ रहे थे कि हम लोग जो कंपनीज है उसके बारे में जानकारी मिलेगी करके, बट उसके बारे में नहीं, अपना गाइडेंस दे रहे। नहीं सर अभी नहीं क्यों मैं करने वाला हूँ। जी, हम यहाँ पर आए, वैसे यहाँ जो सर्स थे उन्होंने गाइडलाइन बहुत अच्छा किया हम लोग को, पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हम लोग को सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके साथ हम लोग को सर ने बताया कि आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोसीजर क्या है भरने का, तो हम लोग को मोटिवेशन भी मिला और उन्होंने बोला कि हम लोग का स्पेसिफिक ब्रांच के लिए हुआ है। जैसे आज तक जितने भी होते थे कैंपस, उसमें क्या होता था कि ऑल ओवर जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेज होती थी सबको एक साथ बुला देते थे, इस बार क्या हुआ स्पेसिफिक IT ब्रांचेज जितनी भी थी उनको बुलाया गया और पोस्ट ज़्यादा रखी, तो हम लोग को उससे मोटिवेशन भी मिल रहा है और लोग बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो होपफुली कॉल आएगा। तो अभी सब अपना रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं, तो होपफुली अब सबको कॉल आएगा तो हो सकता है पैकेज अच्छा मिले आगे जाके, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है, MNCs है, इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो पैकेज तो अच्छा ही रहेगा होपफुली IT कंपनीज है। तो नहीं, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है जो सर लोगों ने जो भी हम लोग को गाइड किया है, मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा है। एंड फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में इतने बड़े लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इतने सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं,
डेफिनेटली वर्क होगा ये। नहीं नहीं, इनिशियली तो आप अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इनिशियली आपको कुछ सीखना है तो अच्छा पैकेज तो एकदम स्टार्टिंग में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, तो जितना भी मिले सीखने को मिलेगा तो आफ्टर दैट तो बढ़ते ही जाएगा पैकेज। गाइडेंस अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, काफ़ी जो एक्सपीरियंस HR आए हैं वो सब आए हैं, अच्छा गाइडेंस दिया जा रहा है क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये सब के बारे में अच्छा गाइडेंस दिया जा रहा है। बाकी हम लोग तो और हम लोग को ये फॉर्म हम सबमिट करवाया है और कंपनीज के बारे में आइडिया दिया, पहले प्लेसमेंट के लिए कहा था पर अभी लोग बोल रहे हैं कि आप अपना परसेंटेज वगैरह रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए और आपको कंपनीज कॉल करेंगी। बहरहाल बेरोजगार इंजीनियरों को सेवा का मौका मिले इसके लिए शासन स्तर पर भी काफी कोशिश की जा रही है। कैंप का मकसद भी युवाओं को सही दिशा दिखाना ही था। अब कैंप से कितने बच्चे चयनित होते हैं ये तो उनका टैलेंट और कंपनी जरूरत पर ही निर्भर करता है। देश टीवी के लिए कैमरामैन रिसुनिताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।